हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड राइस। मैंने राइस को पहले ही बॉईल कर लिया है। कटे हुए प्याज चाहिए, कटे हुए टोमेटोस, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इलायची, दालचीनी, लौंग और कटे हुए हरी मिर्च, जीरा, राय और सौंफ, मिक्स मसाला और बिरयानी मसाला इसमें मिक्स किया हुआ है मैंने, कटे हुए आलू। अब हम इसमें तेल डालेंगे। देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से फैल चुका है तेल। अभी हम इसे थोड़ा और फैलाएंगे। बस अब हम इसमें राई, जीरा और सौंफ डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे और अब लौंग डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें इलायची डालेंगे, हमने पहले ही दो डाल दिए थे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे, सॉरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब हमारा प्याज भूरा हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, मीन्स एक दो चम्मच सॉल्ट। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब हम इसमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिक्स मसाला और बिरयानी का मसाला डालेंगे जो हमने मिक्स किया हुआ था। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे।
अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, मतलब घुमा लेते हैं। अब इसे हम पकने के लिए ढक देंगे। आलू पक चुका है, अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। रुको, अब हम इसे मिक्स करने के बाद ढक देंगे। अब इसे हम खोल कर देखते हैं। करी पत्ती की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम उबले हुए चावल डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने इसे अच्छी तरह पका लिया है। अब इसे हम ढक कर अच्छी तरह इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। बहुत अच्छा सा दिख रहा है और बहुत अच्छा कलर आया है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मुझे। अब हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है। हमने पापड़ बना दिया था, बहुत पहले ही बना लिया था, और हमने आम का अचार लिया है। अब हम फ्राइड राइस को खा के बताएंगे कि कैसा है। फ्राइड राइस बहुत अच्छा बना है। अब मैं अचार के साथ खा के देखूंगी कैसा बना है। अचार के साथ में भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी ज़रूर इसे खाइएगा, और अगर आपको बहुत पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब की कर दीजिएगा।